हेलो दोस्तों, अगर आपको कम सुनाई देता है या फिर आपके कान में किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है, किसी तरह की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है या फिर किसी भी तरह का आपको साउंड सुनाई देता है या फिर आपको कम सुनाई देता है, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आपको मैं एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जो आपको इन सब बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे लोगों को एक्यूप्रेशर का फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो एक्यूरेट पॉइंट को लोकेट ही नहीं कर पाते। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना जिससे आपको इसका फ़ायदा अच्छे से मिल पाए। इसका जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे कानों के बिल्कुल पास में है। इसको लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इस तरह, अपने इंडेक्स फिंगर को आपको यहाँ पर कान के पास जो उभरा हुआ पार्ट है ये हमारा, इसके जस्ट पास में आपको यहाँ पर, इसके बिल्कुल पास में आपको फिंगर रखनी है। सेकेंड साइड भी आपको जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके जस्ट पास में यहाँ पे दोनों तरफ आपको फिंगर रखनी है और आपको मुंह को ओपन करना है। जब भी आप मुंह को ओपन करोगे तो आपकी जो फिंगर है वो एक खड्डे के अंदर चली जाएगी। देखना यहाँ पे आपको एक खड्डा सा, डिप्रेशन सा फील होगा, वही हमारा पॉइंट है। तो उस पॉइंट को आपको प्रेस कैसे करना है, आपको अपने इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हो, आप थंब से भी कर सकते हो। इंडेक्स फिंगर से कैसे करना है, इंडेक्स फिंगर को आपको इस तरह रखनी है यहाँ पे और इसको अच्छे से इसकी थोड़ा सा डीप प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है और उसको अच्छे से मसाज करनी है इस तरह, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको दबा के भी रख सकते हो इस तरह इसकी कम से कम 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करनी है। दिन में कम से कम आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको कुछ ही दिन के अंदर इसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।